रात के देखो 12 बज रहे हैं और ये देखो हमारी चेरी सो रही है। और भाई मुझे तो नींद आ नहीं रही क्योंकि भाई मैं तो जॉब करता हूँ, नाइट शिफ्ट रहती है मेरी। तो चलो कुछ मैगी वैगी बना ली जाए। तो ये रही हमारी प्याज, टमाटर, मिर्च। तो चलो पहले प्याज काटी मैंने और फिर उसके बाद अपनी मिर्च जल्दी जल्दी कटिंग कर ली। उसके बाद मैंने सोचा चलो भाई टमाटर तो काट ही लें, पसीना पसीना हो गया भाई, मैं सर्दी में भी पसीना आने लग गया। चलो तेल डाला, फिर हमने अपनी प्याज डाली। भाई प्याज जल्दी जल्दी भुन जा। भाई मेरी हालत ख़राब हो रही है, फर्स्ट टाइम यार खाना बनाने में तो वैसे भी हालत ख़राब हो जाती है, चम्मच से चलाना पड़ा। उसके बाद फिर मैंने अपने टमाटर डाले और ये हमारे बारी बारी से टमाटर अंदर जा रहे हैं। और ये देखो हमारे चक्कू का हाल जो चेरी ने कर दिया है। और ये हमारी मिर्च डाली और ये भून दी मैंने इसको। या क्या अच्छी तरीके से भुन रही है, मज़ा आ रहा है। अरे मसाले मसाले डालना भूल गया यार, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, चलो स्वाद अनुसार ही डाल रहा हूँ, मुझे तो अपने स्वाद का ही नहीं पता वैसे तो। और फिर हमने थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर, नज़र ही नहीं आ रहा भाई वीडियो में कहाँ है हमारा धनिया पाउडर, ये रहा वाह धनिया पाउडर ये रहा। चलो थोड़ा सा डाल दें, इसको भी हमने थोड़ा थोड़ा डाल दिया। और ये तीनों आइटम डालने के बाद, अरे नहीं और डालूँ क्या, अरे डाल ही ले रहा हूँ। चलो फिर मैंने थोड़ा सा और धनिया पाउडर भी डाल लिया, मन नहीं मान रहा था कि धनिया पाउडर और डालूँ, तो मैंने और धनिया पाउडर और भी डाल लिया थोड़ा सा। और अरे मिर्च तो रहेगी यार, मिर्च तो मैंने सर कटिंग भी डाली है, चलो ये भी डाल देता हूँ, लाल मिर्च भी डालेंगे थोड़ी सी। और ये तीनों आइटम डल गए, मेरा गला भी बैठ गया है, रात हो रही है, सर्दी पड़ रही है। तो चलो भाई इसको, अरे नहीं ऐसा लगता है बात ही बात में मैं मसाला का चुमन निकल चुका है, मसाला जल गया है, जल्दी से पानी डाल दूँ नहीं तो उसमें आग लग जाएगी। ओ सही है, चलो यार बच गई, नहीं तो सारा मसाला सहित मेरा प्याज वगैरह सब जल जाती। और ये रही हमारी मैगी, अब इसको ऐसे ही डाल दो, तोड़ना चाहिए क्या, तोड़ा जाता है पता ही नहीं। चलो अरे चलो पेट में तो सब टूट ही जाएगा। इसके ऊपर पूरा मसाला डाल दिया फिर मैंने, और मसाले को डालने के बाद ये हमारा पानी उछल रहा है कुछ जोर जोर से कि जल्दी से मसाला डालो। तो हमने सारा मसाला इसके अंदर डाल दिया, सोच रहा था थोड़ा मसाला चाटने के लिए रख लूँ लेकिन वो शायद हो नहीं पाया। उसके बाद हमने इसको प्लेट से ढका 2 मिनट के लिए। प्लेट से ढकने के बाद थोड़ा इंतज़ार किया और झाँक के एक बार देख लिया, अरे भाई हो गई कि नहीं हो गई पता नहीं शायद यार। चलो इसको देखने के बाद फिर मन नहीं माना, फिर गला बैठा मेरा, फिर मैंने थाली हटाई। और थाली हटाने के बाद हमने एक बार चम्मच से चला के देखा, लगता है पूरा पानी सूख गया है, अगर थोड़ी देर और रुकिया मैंने तो मैगी भी सूख जाएगी मेरी। तो चलो अब इसका काम तमाम हो चुका है, गैस बंद करी जाए और इसको अब खा लिया जाए। इसके लिए पहले इसको निकाल लूँ, हो गया चलो अपना काम। उसके बाद मैंने अपनी मैगी कढ़ाई में से निकाली, चलो देखते हैं भाई कैसा स्वाद आया इसका तो चेक करने के लिए। वैसे देखने में सही लग रही है और मुझे लग रहा है यार ये खाने में भी सही सी है, मज़ा आ गया भाई मैं इसे।